दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम योगी ने राजभवन में योगाभ्यास किया। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी योगा किया। सीएम योगी ने कहा कि योग सभी के लिए है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। योग मानवता के अनुकूल है, जो पूरी मानवता के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है। इसके साथ यदि हम जुड़ते हैं और संपूर्ण मानवता को जोड़ते हैं, तो ये पूर्वजों और विरासत के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होगी। योगी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सभी के लिए भारत की इसी परंपरा के प्रति इसी श्रद्धा को व्यक्त करने का एक माध्यम बना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग की जिस थीम के साथ आज पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर आयोजित हो रहा है, वह हमें योग सबके लिए, यानी इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें जाति का भेद नहीं है, क्षेत्र का नहीं है, भाषा का नहीं है, देश का नहीं है, काल का भेद नहीं है। अपने अनुसार इस योग की विधा के साथ हर व्यक्ति जुड़ेगा। इसलिए आज हम सब इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामूहिक योगाभ्यास के साथ जुड़ करके हम सबको इसके लिए जोड़ने का कार्य किया है, और मेरा भी आप सभी से, प्रदेशवासियों से ही अपील होगी कि नियमित अभ्यास का हिस्सा इसको बनाए, नियमित अभ्यास का हिस्सा बनाए। देखिए कि कैसे यह परिवर्तनकारी होगा। आप चमत्कार की उम्मीद तत्काल मत करिए, लेकिन आप इसके नियमित अभ्यास के हिस्से बनते हैं तो एक समय आपको स्वयं एहसास होगा कि जो भी समय आपने योग के लिए समर्पित किया है, वह आपके स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए, आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम समय रहा है। और उसमें हम लोग नियमित दिनचर्या से